जय जय माता दी दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों फिर से हाजिर हूँ मैं एक ऐसी वीडियो के साथ जो आपके लिए बहुत उपयोगी हो सकती है। दोस्तों पैसा सबके लिए बहुत उपयोगी होता है, सारा सामान हमें पैसे से ही मिलता है। अगर आपके पास पैसा होगा तो हर चीज़ होगी। तो दोस्तों आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि धन की वृद्धि किस प्रकार की जाए, किस प्रकार धन प्राप्ति के योग बना सकते हैं हम। तो दोस्तों सबसे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर दबा लें जिससे कि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो आइए दोस्तों बात करते हैं आज शुक्रवार के बारे में। जैसे कि आप जानते हैं पवित्र सावन चल रहा है, इस महीने में की जाने वाली पूजा का दुगना फल मिलता है, इसलिए अवश्य करें। शुक्रवार के दिन ये पूजा, लक्ष्मी माता की पूजा की जाती है शुक्रवार के दिन। तो दोस्तों शुक्रवार के दिन तुलसी में दिया जलाना न भूलें, शाम को तुलसी में दीपक जरूर जलाएं, घी का दीपक जलाएं और धूप दीप दिखाकर तुलसी की अच्छे से पूजा करें, विधिवत पूजा पाठ करें तुलसी का और प्रसाद अवश्य बांटें शुक्रवार के दिन, तो बहुत अच्छा रहता है। लक्ष्मी माता को अगर आप लाल फूल चढ़ाते हैं तो भी लक्ष्मी माता आपसे प्रसन्न हो जाती हैं दोस्तों। और शुक्रवार के दिन सुबह जल्दी उठ के अगर आप अपने मेन गेट पे दोनों तरफ पानी का एक लोटा डाल देते हैं तो बहुत अच्छा होता है, इससे घर का वास्तु ठीक हो जाता है और घर में नकारात्मक जो शक्तियाँ होती है उनका नाश हो जाता है, नेगेटिविटी ख़त्म हो जाती है घर की और सकारात्मकता घर में आती है। दोस्तों घर में भजन बजा के रखें, सुबह सुबह अगर आप एक दो भजन बजाते हैं तो घर की बहुत सारी नकारात्मक ऊर्जा जो होती है वो घर से बाहर निकल जाती है। तो इसलिए दोस्तों अवश्य करें, ये छोटे छोटे से उपाय हैं, अगर आप कर लेते हैं तो आपके लाइफ में धन वृद्धि का जो योग है वो बनेगा, अवश्य बनेगा। शुक्रवार के दिन ज़रूर करें ये उपाय, पीपल में पानी ज़रूर चढ़ा के आएँ, अगर हो सके तो पीपल में पानी ज़रूर दें तो भी आपको धन लाभ ज़रूर होगा, धन लाभ के योग बन जाते हैं। पीपल देवता से मांग के आएँ कि वो आपको धन लाभ की योग बनाए आपके जीवन में, आपके हाथ में अगर रेखा नहीं है तो ज़रूर हो जाएंगी दोस्तों। तो इसलिए ज़रूर करें ये उपाय, बहुत ही छोटे छोटे से हैं दोस्तों, छोटे छोटे उपाय हैं पर इनका असर बहुत बड़ा बड़ा होता है, अगर आप करके देखेंगे तो आपको लाभ अवश्य मिलेगा। तो दोस्तों ज़रूर करें सावन में लक्ष्मी पूजन, और लक्ष्मी माता को आप जोड़ा चढ़ा सकते हैं, लाल चुनरी चढ़ा सकते हैं शुक्रवार के दिन, और वो अगले शुक्रवार के दिन किसी कन्या को गिफ्ट में दे दें, किसी भी कन्या को ही दें, छोटी बच्ची को दे सकते हैं आप चूड़ियाँ, लाल चूड़ियाँ और लाल चुन्नी ज़रूर बांट दें लड़कियों में तो बहुत अच्छा होता है। तो दोस्तों ये बहुत ही छोटे छोटे से उपाय, इनको करके देखें आपको ज़रूर लाभ मिलेगा, सावन में करेंगे तो बहुत लाभ मिलेगा। तो दोस्तों ये थी छोटी सी वीडियो, अगर अच्छी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसी किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की।